सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ की भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बाबा के भक्तों के जीवन में परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी तट पर ऐसे ही दो अनोखे भक्त मिले जो दोनों पैरों से पूरी तरह दिव्यांग हैं, लेकिन बाबा के प्रति उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। सबसे खास बात तो ये है कि दोनों वर्षों पुराने मित्र हैं और दोनों 10 वर्षों से सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बैद्यनाथ धाम को जाते हैं। बाबा धाम के रास्ते में लोग उन्हें दोनों दोस्तों को दिव्यांग दोस्त बम के नाम से जानते हैं, साथ ही दोनों के जज्बे की भी सराहना करते हैं। दरअसल ये दोनों दोस्त बचपन से ही दिव्यांग हैं। दोनों पटना जिले के मसौड़ी के रहने वाले हैं। दिव्यांग राजू ने बताया कि मसौड़ी में दुर्गा मंदिर में वर्षों पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे, तभी से दोस्ती की शुरुआत हुई और दोनों 10 वर्षों से बगैर किसी महत्वाकांक्षा के बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं और 4 दिनों में पहुंचते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दोनों भक्त महादेव से कुछ नहीं मांगते। बता दें कि सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट से पूरे सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु कांवर में जल लेकर बैद्यनाथ धाम जाते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से दिव्यांग रहते हैं, उनके साथ कई तरह की परेशानियां रहती हैं, लेकिन महादेव के प्रति श्रद्धा ऐसी है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मनमस्त होकर बोल बम का जयकारा लगाते बैद्यनाथ धाम को रवाना हो जाते हैं। ऐसे में ये दोनों विकलांग दोस्त भी सुल्तानगंज से देवगढ़ की 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हैं। पिछले 10 सालों से चल रहा बाबा की भक्ति के इस अनोखे स्वरूप की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। देवगढ़ से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट।